हाय दोस्तों, मेरा नाम है ललित और आपका स्वागत है इस चैनल में। तो मैं आज आपको बताऊंगा एक एडिटिंग ऐप के बारे में, जिससे कि आप अपनी फोटो को स्मूथ एंड टोन उसमें ला सकते हो, जिससे कि आपकी फोटो थोड़ा लाइटिंग दिखे, अच्छी दिखे। तो मैं आज आपको यही बताऊंगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था और मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं कि आप कुछ इस तरह की फोटो कुछ इस तरह कर सकते हो। ये सब दोस्तों मैं आपको ब्यूटी प्लस में करके बताऊंगा, जैसा कि उस पे आपको पता है उसमें आप फोटो भी क्लिक कर सकते हैं एंड फोटो एडिटिंग भी कर सकते। तो मैं आज उसमें आपको एडिटिंग करके दिखाऊंगा और आपका चेहरा स्मूथ करके दिखाऊंगा एकदम अच्छे तरीके से, और आपके फेस पे लाइटिंग भी आएगी। मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ करके, तो स्टेप बाय स्टेप जरूर देखे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलते अपने फोन की स्क्रीन। मैंने मेरा ब्यूटी प्लस एंड उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि यहाँ पे लिखा है फोटो एडिटर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको कोई भी अपनी फोटो सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं ये वाली फोटो सिलेक्ट कर लेता अपनी एंड उसके बाद आपको स्मूथ करना है फोटो। तो जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ ये लिखा है यहाँ पे स्मूथ, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा चेहरा स्मूथ हो गया है। तो मैं पहले का दिखाता हूँ, ये देखो पहले कैसा था एंड अब देखिए। और फिर उसके बाद ये जो टिक का आइकन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है एंड आपको इससे ज़्यादा स्मूथ करना है तो आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है स्मूथ पे, जो थोड़ा सा और बढ़ा देना है। तो यहाँ पे फिर से टिक के निशान क्लिक कर देना है। तो पहले ही फोटो देख सकते हो फ्रेंड, और आपकी फोटो देख सकते हो कितना क्लैरिटी आ गई फोटो में। तो मैं इसमें आपको टोन भी दिखाता हूँ कि आपके फेस पे लाइटिंग कैसे कितनी अच्छी लगेगी। ये देखिए एक क्लिक में फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी अच्छी फोटो हमारी बन गई है। ये देखिए आप इसको बढ़ाएंगे तो जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा फेस पे लाइट आएगी। तो ये इतना ही मैं करूँगा एंड ये जो टिक का आएगा ना यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो फ्रेंड जैसे कि आपको थोड़ा बाल कलर करना है तो आपको जाना है इस वाले पे एंड इस वाले पे जाना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हेयर ड्राई, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस वाले पे एंड जैसे कि इसको आप कम ज़्यादा करोगे तो ब्लैक से ब्लू हो रहा है एंड इस वाले पे करोगे तो यहाँ पे आपको ब्राउन बाल हो रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा ब्राउन कर देता हूँ एंड टिक कर देता हूँ, फिर थोड़ा ब्राउन कलर हो गया। तो मैं आपको और दिखाता हूँ इसके बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है क्लैरिटी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फेस है ना वो एकदम अच्छे से एकदम सही से दिखाई देगा आपका फेस। जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए हमारी पहले फोटो और आपकी फोटो थोड़ा रियल सा दिखाई दे रहा है आपको फोटो, जैसे कि आप देख रहे हैं एंड मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ, थोड़ा हमारा रियल फोटो दिख रहा है। एंड मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड की इसको अलग करके दिखाता हूँ। तो उसके बाद आपको जाना यहाँ पे जाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ आगे देखो ये पहले से ही हमारा रिकमेंडेड हो रखा है ये वाला पीछे, जैसे कि आप देख रहे हो ये पहले का था और ये आपका था। तो यहाँ पे आप थोड़ा और कम कर सकते हो और कम कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे कैसा बैकग्राउंड हो गया है। तो आप इधर और भी कर सकते हो थोड़ा ब्लर टाइप में, तो ये ज़्यादा ब्लर हो गया है तो कुछ इस तरह हो गया। तो फ्रेंड अब मैं इसको ले लेता हूँ, तो ये देख सकते हो कितना वो हो गया है ज़्यादा ही। तो मैं इसमें ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला जो हमें सबसे पहले दिखाई दिया था एंड ये टिक पे क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड हमारी कितनी अच्छी फोटो बन गई, स्मूथ और कितनी अच्छी बन गई। और पहले की फोटो देख सकते हो फ्रेंड और आपकी देख सकते हो पहले में और अब में बहुत अंतर है। तो फ्रेंड आपको फोन पे बिल्कुल ऐसे ही करना है और आपकी फोटो स्मूथ भी हो जाएगी एंड उसमें टोन भी आ जाएगी आपके फोटो में। तो आप यही करना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करना ना भूले चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और इस ऐप का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए बाय।